हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन, मैं घर पर हूँ। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज दोस्तों जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, लोग इस चीज़ को समझें। आज मैं दोस्तों कोरोना की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। देखिए दोस्तों, जब लॉकडाउन था उस वक्त कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बहुत कम थी, और अभी जो एक तरह से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो अभी लोगों की संख्या, देखिए दोस्तों आज 7 जुलाई है और मैं 7 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी आज की स्थिति में देखिए, आज 7 जुलाई को अगर देश से में तुलना किया जाए संक्रमित लोग कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का, तो आज के डेट में 7 जुलाई के डेट में 719,665 के लगभग संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है। देखिए दोस्तों, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि दिन प्रतिदिन कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही हम बरत रहे हैं, लोग लापरवाह हो रहे हैं या तो कोरोना का बहुत इजी में ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। हाँ, शुरू से ही बोला जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं या मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज करें, या घर में आपका जो सोप है या साबुन है या लिक्विड सोप है उसका यूज करें। देखिए दोस्तों, अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे आप भीड़ देखकर आपको लगेगा कि क्या स्थिति है वहाँ पर। मैं तो वहाँ पर भीड़ देखकर डर जाता हूँ, वहाँ का भीड़ देखकर कि कितना भीड़ है। लोग वहाँ पे सब्जी मंडी में किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं लोग, और मतलब एक तरह से लगता ही नहीं है कि मेरे कोई डर है कि या कोरोना का कोई खौफ है, ऐसा लगता ही नहीं है सब्जी मंडी में। लोग या सब्जी विक्रेता को भी देखिए, बिना मास्क पहने सब सब्जी बेच रहे हैं और लोग वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगा हुआ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं। देखिए दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप मान लें, अपने दिनचर्या में इसको शामिल कर लें या अपने माइंड बैठा लें दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अभी हम पटना में हैं और बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो बिना मास्क के पहने रोड पे जाएगा उसे 50 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। बहुत ही उत्तम फैसला है कि बहुत सारे अभी हम लोगों को देखेंगे तो बिना मास्क पहन के निकल जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई कोरोना है या कोरोना का उनको डर है, वो बहुत इजी समझ रहे हैं कि कोरोना बहुत इजी है। देखिए दोस्तों, इजी नहीं है, बहुत बहुत ख़तरनाक है कोरोना और हमें इसे बचना है। देखिए दोस्तों, इसका बचने का एकमात्र उपाय इसका बचाव है और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अभी तक इसका ना दवा है ना वैक्सीन है, तो अभी हम लोग क्या करें? तो अभी हम लोग को बस बच के रहना, जितना हम लोग बच के रहे हैं उतना ही हम लोग के लिए ठीक है। नहीं तो जैसा स्थिति अभी दिनों दिन संक्रमित लोगों का संख्या बढ़ रहा है, बहुत चिंता का विषय है। तो मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं यही आप में जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि आप समझें कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है, हाँ, और मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं बाहर में, अगर आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाहर निकले, आप जो भी जहाँ जाना चाहते हैं आप जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अपनाएं दोस्तों, और मास्क आप ज़रूर पहनें, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ अपनाते हैं तो कोरोना का आप में कोरोना संक्रमित से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत इजी लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं है कोरोना, कोई खौफ नहीं, हम तो इतना कहेंगे दोस्तों कि डर रहिए। पहले बोला जाता कि डरना मना है, जो डर गया सो जो भी, लेकिन हम अभी जो कोरोना को देखते हुए अभी जो स्थिति है, तो मैं इतना ही कहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा अंदर में डर पैदा करें। देखिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ इसको अन्यथा न ले, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर में थोड़ा सा डर भावना होगा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, ये बात को आप समझिए। आप मास्क पहन के घर से निकलेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अगर वो डर नहीं होगा तो आप इसी तरह से आप जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कुछ नहीं है कोरोना। देखिए, घर से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन आप कितना आप फुलफिल करते हैं, कितना आप मास्क पहन के जाते हैं, तो बाहर में आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कितना अपना रहे हैं,
देखिए दोस्तों, आप तो जब ये सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और लोगों को भी आप जागरूक करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा उनको भी बताएं कि नहीं कितना ज़रूरी है, या जहाँ आप सब्जी विक्रेता से आप सब्जी खरीदते हैं या किराना स्टोर पे आप किराना की सामान लेते हैं उनको भी बोले कि भाई आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, आप घेरा बनाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज कहा जाता है 2 गज की दूरी बनाए रखें वो आप बताएं उनको। और अभी उनको भी जैसे कि किराना जो जो बेचते हैं वो भी उनको भी बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहनकर किराना के सामान को बेचे। सब्जी विक्रेता को भी चाहिए कि वो मास्क पहन के सब्जी बेचे। देखिए दोस्तों, अभी बहुत ही हम लोग गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, अगर अभी हम लोग नहीं संभलें तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। तो मैं इसका जो आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसका बस यही उद्देश्य था दोस्तों कि आप लोग में जागरूकता आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बाहर जब भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। देखिए दोस्तों, हम और भी कहना चाह रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। देखिए, अगर आप इसको दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपके माइंड में एक सेटअप होगा कि नहीं, हमको जब भी बाहर जाना है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है, अब बिना मास्क पहने हुए हम घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। अगर ये माइंड में अगर सेट हो जाएगा दोस्तों तो हम गलती नहीं करेंगे। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कोरोना रूपी वायरस से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, जो हम कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी कोई दवा भी नहीं है मार्केट में, अभी कब दवा आएगा, कब इसका वैक्सीन निकलेगा, तो अभी जो हमारे पास तो एकमात्र विकल्प है बचाव ही। तो जितना हम लोग बच सके हम इससे बचें। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अपनाएं, और भीड़ भाड़ जो आप भीड़ भाड़ इलाका में जाते हैं जहां भीड़ बहुत ज़्यादा होता है वहां पे आप बचें या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं वहां पे, और मास्क पहन कर ही आप जहां भी जाएं, मास्क आप कदापि नहीं निकले, बिना मास्क से आप निकले ही नहीं, जब भी बाहर जाएँ मास्क अपनाएँ, और अपने पॉकेट में या बैग में सैनिटाइज़र रखें, या आप सैनिटाइज़र नहीं ज़्यादा रखना चाहते हैं तो लिक्विड सोप रखें, साबुन रखें, या जहाँ आपको मौका मिले वो आप अपना हाथ धो लें, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमें कोरोना से बचाव करना है तो ये करना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं बचा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनें और साबुन से हाथ धोएं। बस दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहता था, और आज का जो वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोग में जागरूकता आए और आप इस चीज़ को समझें कि कितना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आज का आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।